Yes, students, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Usman and I am your maths teacher. Today is 13th January 2021, class 7, day 3rd. And this is your part 2 video. Ka, video ka part number 2 hai. Third day ki hi ek second video hai. Theek hai beta? Isme hum question number 2 ki understanding lenge. Aur yahan se dikhega saath saath construction steps bhi humne seekhne hai. Theek hai? To question number 2 ki main book ki statement padhta hu. Page number hai aapki book mein 166. Exercise 13A hai. Draw a line segment of the given measurement. Given measurement दी गई है और देखिए first part में 4 cm. तो आपने इस measurement की सबसे पहले एक line segment draw करनी है बेटा. Next step and draw a perpendicular to each one of them. और फिर आपने perpendicular भी draw करना है. 4 cm line segment जो draw किया है उसके ऊपर आपने perpendicular draw करना है. ठीक है बेटा? ये देखेंगे word क्या है perpendicular. Perpendicular basically आपको मालूम है बिल्कुल straight line को कहते हैं जो कि 90 degree का angle भी बनाती है. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. सबसे पहले आज हमने सीखना है कि perpendicular draw कैसे करते हैं. ठीक है बेटा, और साथ ही साथ construction steps भी आपने याद रखनी है. तो सबसे पहले line segment draw करेंगे हम 4 cm की. ये देखें AB, मैंने 4 cm की line segment draw की है. ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं साथ साथ आपको construction steps बताता हूँ. Draw AB is equal to 4 cm. उसके बाद देखिए मैंने क्या लिखा है. Mark a point N 1 8. मतलब एक point N आप दे दें अपने line segment AB के ऊपर. ये देखिए मैंने N point choose कर लिया यहाँ पर. ठीक है बेटा, तो आप क्या करेंगे, आप with N as center and its suitable radius draw an arc to intersect AB at L M end. तो कहता है आप क्या करें, compass को N के ऊपर needle adjust करें और AB के ऊपर आपने अंदाजे से थोड़ी सी कंपास को ले बेटा, एंटर पर कंपास करके थोड़ी सी कंपास को एक्सपेंड करके ना ए ऐसे आप ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये देखिए ये भी लाइन थी ना आपकी, आपने यहाँ पे पॉइंट चूज किया एन. अब आपने अपनी कंपास की लीडर ध्यान रखनी है, थोड़ी सी कंपास इतनी को एक्सपेंड कर लेंगे बेटा थोड़ी सी. और क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना. ठीक है बेटा, और ये देखिए ये जो आपने ड्रॉ किया इसने इस लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर दो पॉइंट्स हासिल कर लिए. ये वाले टू पॉइंट्स इनका नाम रखा एल एंड एम, ये लिखा है एल एंड एम. थर्ड स्टेप विद एल एज सेंटर, एल को सेंटर मानकर एंड रेडियस ऑफ मोर देन एल एम, और एल एम से थोड़ा सा ज्यादा रेडियस से आपने वापस एक्सपेंड करना है. ड्रॉ एन आर्क अबव ए बी, मतलब अब आपने मीडियम को एम के ऊपर से उठा लेना है. अब आपने कंपास की मीडियम एल के ऊपर एडजस्ट करनी है. ये देखिए विथ एल एज सेंटर, एल को सेंटर मानकर, मतलब अब आपने मीडियम एल के ऊपर रखनी है और अंदाजे से ये जो एल एम लाइन है ना ये इसकी हाफ से थोड़ी सी ज्यादा मीडियम ओपन करनी है. तो एल के ऊपर आके एक आर्क ऊपर लगाएंगे हम इस तरह. ठीक है, और अबव ए बी, ए बी लाइन के ऊपर विथ एल एज सेंटर, और फिर उसी मीडियम को यहां से उठा के एम पर रखेंगे. जब हम एल को से उठा के मीडियम एम के ऊपर रखेंगे कम या ज्यादा नहीं करेंगे, बात ध्यान में रखिएगा. एंड सेम रेडियस, सेम रेडियस का मतलब है उतनी ही खुली रहेगी आपके पास, बस जितनी एल पे रखी आपने खोली भी थी. इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पी, तो जब एम पे रखे आप कंपास को उतने ही रहने देंगे तो आप क्या करेंगे इस आर्क को कट करवाएंगे इस तरह से. ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को जहां पे कट करेंगे इसका नाम पी रख लेते हैं पॉइंट. फिर वो कहता है ज्वाइन पी टू एन, स्केल के साथ एम और पी को आप क्या करें बेटा ज्वाइन कर दें. तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया, जी हाँ परपेंडिकुलर. आपने आज ड्रॉ करना सीख लिया परपेंडिकुलर. और ये लास्ट लाइन है एन पी इज द बाई परपेंडिकुलर, एन से लेके पी तक ये जो लाइन बन गया एन पी लाइन, ये आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है बेटा, इसी तरह देखिए सेकंड पार्ट 5 सेंटीमीटर आपको मेजरमेंट दी गई है एक लाइन सेगमेंट की और आपने इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना सीख लिया. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ए से पी तक एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने इस लाइन के ऊपर ए बी के 5 सेंटीमीटर की जो लाइन थी 5 सेंटीमीटर की, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट एन चूज किया अपने पास से. ठीक है, और फिर कंपास को एन के ऊपर रखा, थोड़ी सी कंपास खोली और एक सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल ऐसे ड्रॉ किया. अब इस सेमी सर्कल ने एबी को एन पॉइंट और एन पॉइंट के ऊपर यहां पे देखिए इन पॉइंट्स के ऊपर कट की है. ठीक है, इन पॉइंट पे मीट की है. अब आपने कंपास को एल पे रखना है और एन से थोड़ी सी ज्यादा कंपास खोल लेनी है एक आर्क ऊपर, उसी कंपास को एम पे रखकर इस आर्क को कट कर देना है. तो ये जो पॉइंट आएगा इसको आप पॉइंट बी का नाम देंगे और एन को आपने बिल्कुल सीधा स्केल के साथ पी के साथ ज्वाइन कर देना है. तो ये देखिए आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, एन पी इज द परपेंडिकुलर, एन पी इज द परपेंडिकुलर. तो आप देखिए कंस्ट्रक्शन स्टेप्स, जस्ट फर्स्ट लाइन चेंज होगी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
में है। आगे चलते बेटा ये बातें बहुत ज्यादा काम आएंगी आपको, इसलिए इन्होंने स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया, जो